तो भाइयों, इसके अंदर स्कॉट की बैटरी लगी हुई है ओरिजिनल, जो यामा के साथ आती थी। तो ये फुल्ली चार्ज है, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद ये 4-5 साल तक ओके रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ब्लैंक आती थी बैटरी। ये लिक्विड देख रहे हो आप, ये जो देखो ये लिक्विड हिल रहा है यहाँ पे, तो ये लिक्विड इसके अंदर होता नहीं है, ये रिफ़िल करवाना पड़ता है, उसके बाद ये चार्ज होती है। ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये जो पॉइंट है यहाँ से एसिड डलता है इसके अंदर, लिक्विड एसिड जो होता है वो डलता है, और उसके बाद ये चार्ज होती है। बिल्कुल परफेक्ट है। अभी देखो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाइक, और सारे इंडिकेशन वगैरह, हॉर्न वगैरह सब कुछ काम करेंगे। ये देखो तो बाहर खड़ा खड़ा ना इसकी और गई थी, मैं चला सब हो गया। तो भाइयों देख रहे हो आप, जैसे हमने स्कॉट की बैटरी लगाई है इसके अंदर, तो ये देख रहे हो सारे इंडिकेटर वगैरह, फंक्शन वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं A to Z, लाइटिंग वगैरह सब कुछ A to Z काम कर रही है, बैक लाइट वगैरह सब A to Z काम कर रही है इसकी टोटली। ये ओरिजिनल बैटरी है, ये आप रिचार्ज करोगे, इसके अंदर लिक्विड डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। तो भाई देख रहे हो आप, जैसे इंडिकेटर फ्लैश कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली, ये वाला देखो पीछे का, तो सारे फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये देखो हॉर्न वगैरह, तो भाई इसको हल्के में मत लो, स्कॉट की बैटरी है ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको भाई पैक करते हैं अब फटाफट। तो भाई फिटिंग हो गई है, और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो।